नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और वेबिनार ऑन आईसीटी टूल, ये हमारा एक खास सेशन जिसमें हम कोई ना कोई आईसीटी टूल के बारे में बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि वो आप सभी के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। आज जिस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट बोर्ड। कॉन्सेप्ट बोर्ड क्या है? विजुअल कोलैबोरेशन यूजिंग कॉन्सेप्ट बोर्ड, इस पर हम बातचीत करेंगे। अगर आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बोर्ड क्या है, आपने इस्तेमाल किया है और कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी है, कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल और हमें आप ईमेल कीजिए हमारे ईमेल आईडी पे training@ciet.nic.in। आपके टीवी स्क्रीन्स पर भी ये ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और आप चाहे तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 8800440559। इस फ़ोन नंबर पे आप हमें फ़ोन करेंगे तो आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं और डायरेक्ट उन्हीं से अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति सैनी। नमस्कार, स्वागत है आपका मैम। शुक्रिया मैम। है एकेडमिक कंसल्टेंट साइंस सीआईईटी एनसीईआरटी से। और आइए मैम से पूछते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट बोर्ड है आखिर होता क्या है, और आज की ये जो चर्चा है इसमें हमारे जो दर्शक हैं, आप लोग हैं, मैं हूँ, वो हम सभी इससे क्या सीखने वाले हैं। मैम, थैंक यू तन्वी जी। कॉन्सेप्ट बोर्ड, तो जैसे कि कोविड की सिचुएशन, कोविड की स्थिति में काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हुए जी। तो उस स्थिति में हमें बहुत सारे विकल्प ढूंढने पड़े, तो ऑनलाइन शिक्षण के बहुत अलग अलग तरीके ढूंढे गए। उसी में से एक तरीका है कॉन्सेप्ट बोर्ड। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट बोर्ड, ये शिक्षक को शिक्षण करने में बहुत सहायता देता है। ओके, तो क्या आप अपनी पीपीटी के ज़रिए हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी ज़रूर जी, पीपीटी शेयर की जाए जी। कॉन्सेप्ट बोर्ड, इसमें कॉन्सेप्ट बोर्ड के ज़रिए जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि एक शिक्षण करने में इसका काफ़ी महत्व है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसको, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो जैसे कि एक कक्षा में अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो उस एक फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है और हम उसके जरिए किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस तरह से जब ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, तब एक ऑनलाइन तरीके से जो कि कॉन्सेप्ट बोर्ड हमें प्रदान करता है, उसके जरिए शुरुआत हुई किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट बोर्ड में वो बनाए गए, और इसका सबसे ज़्यादा खास बात जो है वो कि आप एक कक्षा में आप किसी कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, समझाते हैं, पर आप उसी के साथ साथ और शिक्षक भी उसी कॉन्सेप्ट को उसी टाइम पे सिखा सकते हैं। तो ये जो खास बात है इस कॉन्सेप्ट बोर्ड की, वो ये है कि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेटिव मंच है, और ये आपको एक बहुत बड़ा मंच, ये बहुत बड़ा एक अंतहीन, जैसे कहें एक कैनवस देता है। इस कैनवस में आप कुछ भी कॉन्सेप्ट अपने छात्रों को शेयर कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कॉन्सेप्ट बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं जी। कॉन्सेप्ट बोर्ड क्या है, सबसे पहला सवाल यही है। तो कॉन्सेप्ट बोर्ड एक दृश्य सहयोगी यानी कि विजुअल कोलैबोरेटिव मंच है, जिसमें एक एंडलेस कैनवस मिलता है, और यह एक डिजिटल कार्य क्षेत्र उपकरण है, जिसका मतलब है कि डिजिटल कार्य क्षेत्र में शिक्षक और उसके साथ में शिक्षकों का समूह यानी कि उनकी टीम भी, और जो बाकी उपयोगकर्ता हैं वो भी उपयोगकर्ता में आएंगे, शिक्षक और छात्र सभी एक टीम के जरिए
टीम बनाकर उस काम को कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव तरीके से इस पे अपने कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं और एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो यह टीमों के लिए खास तौर के क्लाउड में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें इस कॉन्सेप्ट बोर्ड के में जो शिक्षक हैं अपने विचार, फाइलें, नोट्स सभी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एक रियल टाइम फीडबैक, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें फेस टू फेस बातचीत नहीं हो रही है, पर इसमें आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग मिलकर किसी कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे हैं या उस पे काम कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो एक कोलैबोरेटिव तरीके से इस पे काम होता है। प्रेजेंटेशन, हाँ, तो इसमें जैसे कि रियल टाइम फीडबैक में मैंने आपको बताया कि आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, इसमें अपने इनपुट्स डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बोर्ड की विशेषताएं क्या हैं। पहला, परिवर्तनीय फ्लेक्सिबल ऑनलाइन वाइट बोर्ड। दूसरा, वास्तविक समय सहयोग यानी रियल टाइम फीडबैक। और तीसरा, एक्सपोर्ट कंटेंट यानी कि जो सामग्री है, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे निर्यात कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल ऑनलाइन वाइट बोर्ड, इसमें जो कैनवस है वो अंतहीन है। आप एक बोर्ड पे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट उसमें शामिल कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो सफ़ेद बोर्ड, वाइट बोर्ड के बहुत सारे टूल्स इसमें मिल जाएंगे। तो उसके मदद से आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स तैयार कर सकते हैं एक ही बोर्ड पे। तो इसमें जैसा कि हम आगे भी देखेंगे कि क्या इन पे कोई लिमिटेशन है, कोई बंदिश है कि कितने बोर्ड हम एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब इसमें कैसे हम कितने कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो उस पे भी हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। तो शिक्षक अपना कोई भी कॉन्सेप्ट शिक्षकों के साथ और जो विद्यार्थी हैं या छात्र हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं और उसी में एक दिलचस्प तरीके से उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बहुत सारे टास्क भी इंक्लूड शामिल किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को कोई ना कोई टास्क सौंपा जा सकता है ताकि वो और दिलचस्प तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जैसा कि इसकी शुरुआत, इस स्लाइड्स की शुरुआत हुई विजुअल कोलैबोरेशन से, तो विजुअल कोलैबोरेशन एक विजुअल तरीके से किसी चीज़ को देखना या फिर एक सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल तरीके से किसी चीज़ को सीखना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। विजुअल तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट बोर्ड का जो बहुत खास लाभ है, बेनिफिट है, वो ये है कि सबसे पहले तो ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म देता है, दूसरा कि इसमें विजुअल कोलैबोरेशन है। विजुअल कोलैबोरेशन से जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आता है और आसानी से समझ में आता है। दूसरा, वास्तविक समय सहयोग यानी कि रियल टाइम फीडबैक। इस कॉन्सेप्ट बोर्ड में वर्चुअल और रिमोट तरीके से एक साथ काफ़ी लोग जुड़कर चर्चा कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को तैयार करने में या उसको शेयर कर किसी भी कॉन्सेप्ट को तैयार करने में या उसमें किसी बदलाव को लाने के लिए, ताकि वो उसको बेहतर बनाया जा सके और उसको विकसित किया जा सके। जो पहले से कोई रिसोर्स बना हुआ है, किसी शिक्षक ने अपने कक्षा में पढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, उसको और बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे शिक्षक एक साथ जुड़कर उसको और विकसित कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो इसमें स्वचालित रूप से जो भी हम काम अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड पे, एक बोर्ड पे काम करते हैं, वो अपने आप ही सेव हो जाता है, सहेजा जा सकता है। इसके साथ साथ रियल टाइम फीडबैक में आता है लाइव चैट, लाइव पॉइंट
पॉइंटर्स और प्रस्तुति। तो कॉन्सेप्ट बोर्ड हमें एक और सुविधा देता है कि इसमें हम लाइव चैट कर सकते हैं, अलग अलग जो हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं इस कॉन्सेप्ट बोर्ड में एक कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए, उनके साथ हम लाइव चैट कर सकते हैं। और एक प्रस्तुति भी हो सकती है, जैसे आपने कोई कोई कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, उसमें क्योंकि वो तैयार हो गया है, अब उसका एक प्रेजेंटेशन देने के लिए आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो स्टेप्स फॉलो करके आप उस कॉन्सेप्ट बोर्ड को तैयार करने के बाद उसको साझा कर सकते हैं। अगला जो सामग्री आपने बनाई है, जो रिसोर्स डेवलप किया है, उसका निर्यात कैसे करना है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि खींचें और छोड़ें, ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें आप प्रयोग करेंगे। इसी तरह जो बोर्ड पे आपने कॉन्सेप्ट बनाया है उसको दो फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं, पहला इमेज फॉर्मेट, दूसरा पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये विशेषताएं हैं जो कॉन्सेप्ट बोर्ड हमें एक जो रेगुलर हमारी कक्षा होती है उससे ज़्यादा लाभ देता है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बोर्ड हमें क्या क्या लाभ देता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर किसी शिक्षक ने अपने किसी टॉपिक को समझाने के लिए एक संसाधन तैयार किया है कॉन्सेप्ट बोर्ड पे, उसको बाकी जो शिक्षक हैं या अन्य छात्र हैं वो उसको उपयोग कर सकते हैं और उसमें अपने कुछ विचार शामिल करके उसका विकास कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट बोर्ड हमें रिसोर्स का पूलिंग करने में भी सहायक है। पूलिंग का मतलब कि एक ही बोर्ड पे अलग अलग संसाधनों को, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सम्मिलित करके एक पूल तैयार किया जा सकता है। तो ये एक रिसोर्सेज को पूलिंग करने के लिए भी सहायक मिलता है। दूसरा, इसमें कॉन्सेप्ट बोर्ड में अलग अलग टेम्पलेट भी दिए हुए हैं। टेम्पलेट से आप ये समझिए कि जैसे फ्लो चार्ट होता है, तो फ्लो चार्ट के अंदर पूरा एक खाका या ढांचा होता है, उस वो आपको इसमें तैयार मिलता है। तो आपको सिर्फ अपने अनुसार जो आप कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं उसके अनुसार उसको देखते हुए आपको उसमें चेंजेस करने होते हैं। अगला, काम करने के लिए कोलैबोरेटिव कैनवस। ये हम पहले ही इस पे बात कर चुके हैं कि ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, इसमें एक साथ काफ़ी लोग काम कर सकते हैं। अब आप यह सवाल भी सोच रहे होंगे कि हम क्या इस पे कोई लिमिटेशन है कि एक टाइम पे एक बोर्ड पे कितने लोग एक साथ काम कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट बोर्ड यह देता है कि शिक्षकों की टीम अपने शिक्षण में संसाधन का उपयोग और विकास पर काम कर सकती है। अगला, कि भाग लेने के लिए छात्रों का समूह सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि जब शिक्षक कोई कॉन्सेप्ट बोर्ड तैयार करता है तब उसमें वो छात्रों को उस कॉन्सेप्ट को तैयार करने के बाद उनके साथ साझा करता है। अब जो शिक्षक है उस वो कुछ टास्क उस कॉन्सेप्ट बोर्ड के अंदर ही उनको सौंप सकते हैं और उस पर छात्र काम करेंगे, तभी रियल टाइम फीडबैक एक शिक्षक अपने छात्रों को दे सकता है, ताकि जो छात्र हैं उससे उन इम्प्रूवमेंट्स को उसमें शामिल करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो यह एक छात्रों को सक्रिय भाग लेने के लिए समूह प्रदान करता है। इसमें हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप किसी ब्राउज़र को खोलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बोर्ड टाइप करना होता है सर्च ऑप्शन में,
तो पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट बोर्ड ही आएगा। तो इसकी जो वेबसाइट होगी वो आएगी www.conceptboard.com। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो प्राइसिंग होता है, बट आप फ्री प्लान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्री प्लान में क्या क्या शामिल है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला कि असीमित समयावधि के लिए बोर्डों की असीमित संख्या, आप कितने भी बोर्ड अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर कोई बंदिश नहीं है, कितने भी बोर्ड आप अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कि प्रति बोर्ड 100 ऑब्जेक्ट्स, जो आप कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई टेक्स्ट आप इंक्लूड कर रहे हैं या कोई बॉक्स या शेप उसमें डाल रहे हैं, तो वो होती हैं ऑब्जेक्ट्स। तो एक बोर्ड के अंदर आप मैक्सिमम 100 ऑब्जेक्ट्स ही जोड़ सकते हैं, पर बोर्ड आप एक से ज़्यादा कितने भी बना सकते हैं। अगला आता है कि प्रति बोर्ड 50 उपयोगकर्ता सहयोग कर सकते हैं। अभी हमने बात करी थी इस पे कि एक टाइम पे क्या कितने कोलैबोरेटिव शिक्षक या छात्र हम एक कॉन्सेप्ट बोर्ड में शामिल कर सकते हैं। तो इस पर एक लिमिटेशन है फ्री प्लान के अंदर कि एट अ टाइम हम सिर्फ 50 उपयोगकर्ता को ही शामिल कर सकते हैं एक बोर्ड में कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे, एक बोर्ड के लिए। अगला, इसमें तीन रोल होते हैं। पहला एडिटर रोल, दूसरा रीडर रोल और तीसरा रिव्यूअर रोल। जब आप किसी कॉन्सेप्ट बोर्ड को बनाते हैं तो आपको एडिटर के राइट्स मिलते हैं, पर आप एक गेस्ट असेस भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक गेस्ट असेस के द्वारा आपको जो सुविधा मिलेगी वो ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट बोर्ड में आपने कॉन्सेप्ट बनाया है उसको पढ़ सकते हैं और उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में फ्री प्लान के अंदर एक गेस्ट असेस भी आपको मिलता है। अगला कि एक फाइल स्टोरेज कितना होगा इस बोर्ड का, तो वो मैक्सिमम लिमिट जो है 500 MB की गई है, और जो वीडियो आप अपलोड करोगे या कोई इमेज अपलोड करोगे उसका अधिकतम लिमिट 10 MB है। कॉन्सेप्ट बोर्ड के अंदर फ्री प्लान में ही लाइव मॉडरेशन भी आप कर सकते हो। लाइव मॉडरेशन का मतलब कॉन्फ्रेंसिंग, मॉडरेशन का मतलब जब एक साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो आप उसमें एक दूसरे की बात को जवाब दे सकते हो, तो वो लाइव मॉडरेशन में आएगा फ्री प्लान के अंदर। और लाइव चैट तो मैंने आपको बताया ही, तो इसमें जो बोर्ड आपने तैयार किया है उसके अंदर आप कमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और उन कमेंट्स का आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप जो यूज़ करेंगे वो फ्री प्लान ही करेंगे, पर अगर आपका अपना आप काफ़ी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो प्राइस प्लान्स हैं उनमें भी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं कि कॉन्सेप्ट बोर्ड की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे वो बनाना है, कैसे लोगों के साथ उसको साझा करना है। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाके आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर आप एक फ्री अकाउंट पर साइन अप करेंगे। उसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड जेनरेट करना होगा, तो आपका साइन अप हो जाएगा। उस ईमेल का उपयोग करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको जो कॉन्सेप्ट बोर्ड का एक इंटरफेस दिखाई देगा, वहाँ पर आप न्यू बोर्ड पे जाके अपना बोर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा तैयार हो जाए तब आप बाकी उपयोगकर्ताओं के साथ, बाकी शिक्षकों और छात्रों के साथ अपने बोर्ड को साझा कर सकते हैं। ये एक इंटरफेस है, जैसा जब आप न्यू बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके आपके बाएं तरफ कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जैसे कि अपलोड
अपलोड फाइल्स, इंसर्ट सेक्शन, इंसर्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, इंसर्ट टेम्पलेट, इंसर्ट आइकन और एम्बेड वीडियो ऑडियो एंड स्क्रीनशॉट। सबसे नीचे जो है वो स्क्रीनशॉट का है। तो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं फाइल। सबसे पहला जो आइकन आपको दिख रहा है वो है इंसर्ट अपलोड फाइल। उस पर जाकर आप कोई भी फाइल को अपने बोर्ड में जोड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा आइकन है इंसर्ट सेक्शन। आपने पूरा बोर्ड तैयार किया है, अब उसमें कुछ भाग आप अलग करना चाहते हैं तो आप उसको इंसर्ट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे एक इंसर्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स दिया हुआ है आइकन। इसमें जैसे आप कोई भी प्रक्रिया है उसको इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए आप दिखा सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम दिखाते हैं। तो उसमें आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के द्वारा आप आसानी से उनको अपने बोर्ड पर बना सकते हैं। अगला आता है इंसर्ट टेम्पलेट। इंसर्ट टेम्पलेट में आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट बना मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को जिस तरह आपको सूट करता हो उसको यूज़ करके आप इन टेम्पलेट्स में अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। अगला आइकन, जो डिफरेंट आइकन्स हैं उनको इंसर्ट करने के लिए आपको इस इंसर्ट आइकन पर क्लिक करना होगा। अगला है कोई भी वीडियो ऑडियो उसको अगर आप कॉन्सेप्ट बोर्ड में शामिल करना चाहते हैं तो एक जो प्ले का एक आइकन दिख रहा है जिसके नीचे लिखा हुआ है एम्बेड वीडियो और ऑडियो, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वीडियो और ऑडियो को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सुविधाएं इस कॉन्सेप्ट बोर्ड में आपको मिलती है। और सबसे नीचे एक आइकन है वो है स्क्रीनशॉट का। आप कोई भी स्क्रीनशॉट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हम एक एक करके इन पर एक एक करके इनको सभी आइकन्स को कैसे उपयोग करना है वो भी हम देखेंगे कुछ समय में। आप ये भी देख सकते हैं एकदम सेंटर में एक लिखा हुआ है अननेम्ड बोर्ड। यहाँ पर आप अपने बोर्ड को नाम दे सकते हैं। जो भी नाम से आप अपना बोर्ड तैयार करेंगे वो रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके पास ही लिखा हुआ है ऑल पार्टिसिपेंट्स। जितने भी लोग जो शिक्षक हैं या छात्र हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म में इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वो आप उनको ऑल पार्टिसिपेंट्स पर जाकर देख सकते हैं। फिर उसके नीचे जो व्हाइट बोर्ड के आपके टूल्स हैं सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला एक हाथ बना हुआ है, आप देख सकते हैं एक हाथ बना हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो बोर्ड है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ वाला एक आइकन है जिस पर एरो बना हुआ है। इस एरो का मतलब है ये एक सिलेक्शन टूल है। जो आपने एक कोई बॉक्स बनाया या कोई शेप बनाई है तो आप एक सेक्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एरो पर जाकर क्लिक करना होगा और जो भाग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ड्रैग करना होगा। अगला आइकन है स्क्रिबल का। स्क्रिबल का मतलब आप जो बनाना चाहते हैं, जो भी आप हैंड ड्रॉन कुछ बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे और उसकी जो स्क्रिबल की जो थिकनेस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक हाइलाइटर का ऑप्शन भी है उसके जस्ट साथ में। आप आगे देखेंगे तो एक लाइन है, यहाँ से आप कोई भी स्ट्रेट लाइन भी शामिल कर सकते हैं अपने बोर्ड में। और जैसे आपने कोई लाइन शामिल करी है उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उससे अगला आता है एक ऑप्शन जिसमें
एक सर्कल और रेक्टेंगल बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आप कोई भी शेप अपने बोर्ड में जोड़ सकते हैं। कोई टेक्स्ट आप इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड में, कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड करने के लिए आपको इस टी वाले सिंबल पे क्लिक करना होगा, वो है टेक्स्ट के लिए। इसी तरह आप देखेंगे टी के अगला जो आइकन है वो किसी भी बॉक्स को बनाया, जैसे कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं बनाते हैं, तो इसी तरह ये एक टेक्स्ट बॉक्स का आइकन है जो टी के जस्ट अगला आइकन दिया हुआ है, इसमें सिंबल दिया है उसको आप यूज़ करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उसके अंदर एक आप अपने अनुसार कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं उससे अगला जो है कमेंट का। जैसा मैंने आपको बताया कि कोलैबोरेटिव तरीके से इस पे काम होता है, तो आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं अपने किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए, और जब भी वो ऑनलाइन आएंगे देखेंगे आपका कमेंट तो वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं इसमें जो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या बिगिनर स्टेप्स हैं इसके लिए। इसी में ही नीचे मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें सब दाईं तरफ सबसे नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये ऑप्शन है वो है कॉल का, फिर अगला जो ऑप्शन है वो है मॉडरेशन का, उसके आगे एक टाइमर दिया हुआ है ये है स्टॉप वॉच का, और उसके आगे लाइव चैट। तो ये लाइव पॉइंटर्स या लाइव चैट प्रेजेंटेशन उन सब के लिए ये यूज़ होते हैं। तो फ्री प्लान के अंदर आप लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव मॉडरेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बिगिनर स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है अपना बोर्ड तैयार करना है कॉन्सेप्ट बोर्ड के अंदर। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं, ये जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का है जैसा मैंने आपको बताया। इसमें आप सबसे पहले जो बोर्ड सेट करेंगे नेमिंग देंगे, तो नेमिंग के लिए सेंटर में जहाँ पे अननेम्ड लिखा है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रीनेम वाला एक बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर नाम डालना है और उसको रीनेम करना है। जैसा कि यहाँ पर स्प्रिंग कलेक्शन लिखा है, रीनेम कर दिया गया है। दूसरा जो स्टेप है वो है इंसर्ट कंटेंट। अब हमने बोर्ड सेट किया है, अब हम उसमें क्या कंटेंट डालने वाले हैं, उसके लिए हमें किस तरह आगे बढ़ना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस पर आप जब क्लिक करेंगे, ये वाला जो आइकन है यहाँ पर प्लस, ये इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेन खुल जाएगा। इस पेन के अंदर आप अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और जहाँ पर आपके फाइल सेव हैं, कोई भी इमेज सपोज आपकी सेव है, वहाँ पर जाकर उसको आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद कुछ टाइम बाद सारी आपकी फाइल्स आ जाएंगी आपके बोर्ड के ऊपर। अब हम यूज़ करेंगे इसमें एक सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया एरो वाला, आप इसको यूज़ करेंगे, इसको पूरे को एक बॉक्स के अंदर लेके आएंगे, तो इस तरह आप सेलेक्ट करेंगे सारा इमेज। जब आप सिलेक्शन टूल के जरिए आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास कुछ और विकल्प आएंगे। उन पर जाने के बाद जब आप देखेंगे कि आप अगर इनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये सारे ड्रेस एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में दिए हुए हैं, पर हम चाहते हैं कि ये ग्रिड के फॉर्म में दिखाई दें, तो हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए इनमें से हमें जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। तो अब देखते हैं हम आगे क्या होगा। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पर ग्रिड हमने सेलेक्ट किया।
अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से हमने उसमें कॉलम या रो इंक्लूड करने हैं, चेंज करने के बाद कुछ इस तरह का ये ग्रिड का अलाइनमेंट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ये दो अलग अलग तरीके के हमने ड्रेसेस तैयार करे हैं, एक मेन के लिए किया है और एक वुमेन के लिए किया है। तो अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जो टी के साथ में ये सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, और हमने हमें और ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे, इसी तरह हम उसी ऑप्शन पर जाकर एक दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें टेक्स्ट इंक्लूड कर देंगे। सेलेक्शन टूल के की मदद से हमने अब फिर से इन बॉक्सेस को सेलेक्ट किया है और इनकी अलाइनमेंट आप देख सकते हैं दोनों एक के ऊपर एक नहीं है, थोड़ा सा अलाइनमेंट में डिफरेंस है, तो उसके लिए हम इनकी अलाइनमेंट एक जैसी करेंगे। फिर से अलाइनमेंट पे जाकर हमने इनकी अलाइनमेंट एक जैसी कर दी है। अगला स्टेप है क्लस्टर एंड एडिट कंटेंट। इसका मतलब है आपने बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स अलग अलग बनाए हैं, अब आप उनको जो एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं उनको एक क्लस्टर में बनाना चाहते हैं और जो कंटेंट है उसको एडिट करना चाहते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आता है सेक्शन का, ये जो तीन ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये एक आपको बेल दिखाई दे रही होगी, बेल वाला आइकन है वो अलर्ट के लिए है, जो कोई भी नोटिफिकेशन या अलर्ट आता है वो इसके इससे आप देख सकते हैं। और उसके नीचे है वो टास्क हैं, कोई भी टास्क अगर आपने इस बोर्ड में शामिल की है उस पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह सबसे नीचे जो आता है वो है सेक्शन का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेन खुलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं और इस तरह का एक सेक्शन बन गया है, आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में एक बॉक्स आ गया है जिसमें ये सारा जो कलेक्शन है इस बॉक्स के अंदर हमने क्लस्टर कर लिया है। इसी तरह हमने सेक्शन का इस्तेमाल करके दो अलग अलग कलेक्शन बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं एक कलेक्शन ये है स्प्रिंग कलेक्शन 1 और दूसरा कलेक्शन है स्प्रिंग कलेक्शन 2, तो ये हमने दोनों सेक्शन यूज़ करके सेक्शन टूल यूज़ करके दो अलग अलग कलेक्शन यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम कोई भी कमेंट डालना चाहते हैं या कोई टास्क इसमें जोड़ना चाहते हैं, आप देखते हैं वो कैसे करा जाएगा। कमेंट डालने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर लास्ट में एक आइकन है कमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी और उसके साथ में एक बॉक्स जुड़ा होगा जो कमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे। तो इस पर कैसे कमेंट डालना है देखिए, जो भी पार्टिसिपेंट है उसका हम एट द रेट लगाकर नाम टाइप करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा और हम अपना कमेंट उसमें डाल सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर एक कमेंट इसमें हमने जोड़ दिया है। इसी के साथ में इस कमेंट को अगर हम किसी और पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं इस बोर्ड में, तो वो भी हम ड्रैग कर सकते हैं और इसको मूव किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कमेंट में भी हम रिप्लाई देख पा रहे हैं, जो दूसरा कोई पार्टिसिपेंट है उसने कोई रिप्लाई किया है। अगला आता है शेयर द बोर्ड। हमने कोई भी शिक्षक बोर्ड बना लिया है, कंटेंट तैयार कर लिया है, तन्वी मैम जी हाँ, तो प्रेजेंटेशन में देखते हैं
मैम प्रेजेंटेशन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे पास एक सवाल आया है आपकी प्रेजेंटेशन से जुड़ा, तो नमन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम कॉन्सेप्ट बोर्ड का साइन अप गूगल के द्वारा कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपने उठाया है। आप साइनअप के लिए अपना कोई भी गूगल का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट उससे लिंक कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप कोई भी जीमेल कोई भी अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो अगर आपका पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है, ईमेल एड्रेस है, आप उसके माध्यम से भी इस पर साइनअप कर सकते हैं। जी जी मैम, आइए प्रेजेंटेशन पर हम वापस चलते हैं और आपका जो फिफ्थ पार्ट था शेयर द बोर्ड, हाँ, वो समझाते हैं। प्रेजेंटेशन पे हम लोग चलते हैं, तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि कोई शिक्षक है, उसने अपना बोर्ड तैयार किया है, उस पर कॉन्सेप्ट ऐड किया है। अब हम चाहते हैं, हमने कमेंट्स भी डाल दिए हैं, टास्क भी डाल दिए हैं, बाकी जो उपयोगकर्ता हैं, जो बाकी शिक्षक हैं या छात्र हैं, उनके लिए हमने उस बोर्ड के अंदर कुछ टास्क उनके लिए डाले हैं। अब उनको कैसे ये शेयर करना है, कैसे इस बोर्ड को शेयर करना है, हम उस पर उसको देखते हैं कि बोर्ड को कैसे शेयर किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर का ऑप्शन ये आपका ये ब्लू कलर का जो एक ऑप्शन है वो आएगा शेयर का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको किसके साथ इस बोर्ड को शेयर करना है वो आप यहाँ पर एंट्री डालकर उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई हमने नाम पार्टिसिपेंट का डाला है, सेलेक्ट किया और उनको शेयर किया। अब हम देखेंगे कि इसको कोलैबोरेट कैसे किया जाएगा। तो ये देखिए कितना कितना रोचक तरीके से एक वाइट बोर्ड पे काम हो रहा है इस कॉन्सेप्ट बोर्ड के जरिए। आप देख सकते हैं एक ही समय पर कितने सारे लोग कोलैबोरेटिवली इस कॉन्सेप्ट पर, इस बहुत ही आसान जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर दिखाया है उस पर काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कमेंट हमने डाला था, उस पर रिप्लाई आया है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कोलैबोरेटिवली इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। मैम मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे आप कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रही हैं और कॉन्सेप्ट्स तो हर सब्जेक्ट में होते हैं, तो क्या किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम इस कॉन्सेप्ट बोर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, कुछ लैब से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे अलग अलग लैंग्वेजेस का हो, तो कोई भी लैंग्वेज भी इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उसको आप एक विजुअल तरीके से समझा सकते हैं तो आप कॉन्सेप्ट बोर्ड के माध्यम से अगर समझाएंगे तो जो और जो शिक्षक हैं या छात्र हैं उनको वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझ आएगा। तो चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हों, उनमें से जैसे बहुत सारे मैंने आपको बताया प्रोसेस होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट बोर्ड में हम शामिल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम विजुअल तरीके से बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट में काम करके दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो हर तरीके के जो कोलैबोरेशन में काम करने के लिए एक विजुअल होना ज़रूरी है इसके लिए। तो आप कहीं से भी, जैसे वेब पे भी आपको कोई इमेज मिलता है उस पर आप उसको शामिल करके अपने बोर्ड में, और उससे अपने जो साइंस के या मैथ के या लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं या रिलेट करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जी पर मैम आजकल क्योंकि हम COVID-19 के पैंडमिक से गुजर रहे हैं तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस मौजूद होंगे इंटरनेट पे, तो कॉन्सेप्ट बोर्ड बाकी ऐप से कुछ अलग है, कुछ बेहतर है, किस तरह? कॉन्सेप्ट बोर्ड में एक कोलैबोरेटिव तरीके से काम हो रहा है और ये क्लाउड बेस्ड है, तो आपको इसमें कोई सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि
यहाँ पर जो फ्री प्लान है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक साथ एक बोर्ड पे 50 कोलैबोरेट हो सकते हैं। अच्छा। तो आप कोई भी बोर्ड है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत सारे बोर्ड, उसमें कोई आप लिमिटेशन नहीं है, फ्री प्लान के अंदर भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी बोर्ड पे आप कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और काफ़ी लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मुझे जो अपना एक्सपीरियंस लगता है कि कॉन्सेप्ट बोर्ड बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। जी मैम, हमारे पास आखिरी के 3 मिनट हैं, तो आप जो भी कॉन्सेप्ट हमारे दर्शकों को समझा रही थी उसे 3 मिनट में रैप अप कर दीजिएगा। जी मैं आगे समझाती हूँ आगे का, जैसे कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस कॉन्सेप्ट बोर्ड का। चलिए उस पर देखते हैं। जी तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बोर्ड दिखाया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि माय सिस्टम के साथ रिपोर्ट, एक्सटर्नल सिस्टम, तो ये बहुत आसान तरीके से एक कॉन्सेप्ट बोर्ड जो बनाया हुआ है उस पर कमेंट भी किया है। तो आप भी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस कॉन्सेप्ट बोर्ड को सीखने का कोशिश करें और इसमें कैसे, जैसे ये एग्जांपल दिया है, आप इसी को ही अपने वेबसाइट डालकर ब्राउज़र में इसको बनाने का ट्राई कर सकते हैं। तो आगे चलिए कि मेन जो चीज़ है वो है कि कंटेंट को कैसे इंसर्ट करना है और उसके क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, उस पर चलते हैं। सो 10 तरीके हैं जिससे हम कोई भी कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट एंड शेप्स। अब आप देखिए कि आपका ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट का काम होगा उसमें आपको कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना होगा या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ये टी वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करके बहुत सारा टेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने इसमें जोड़ा है। इसी तरह एक टेक्स्ट बॉक्स में हमने टेक्स्ट इंक्लूड किया है। तो ये एक पहला तरीका है, आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड किया है और टेक्स्ट बॉक्स भी। इसी तरह कंटेंट को जो बाकी कोई बोर्ड तैयार है पहले से ही किसी शिक्षक ने बना रखा है उससे भी हम कॉपी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये इन्होंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो ये कॉपी हो गया। उसके अगला आप देख सकते हैं, तीसरा जो तरीका है वो किसी बोर्ड से अपलोड करना फाइल्स। यहाँ पर आप अपलोड फाइल पे जाकर बस सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे तो ये आपके बोर्ड पर शामिल हो जाएंगी, ये सारी इमेजेस आपके बोर्ड पर शामिल हो जाएंगी। इसी तरह आप वेब से भी, जैसे मैंने तन्वी जी को बताया कि वो भी आप ड्रैग कर सकते हैं कोई भी इमेज, कोई भी रिसोर्स आप नेट से ले सकते हैं और अपने बोर्ड पर शामिल कर सकते हैं। इनको हमने अलाइनमेंट भी दे दिया है, ये भी मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि अगला हम किस तरीके से कंटेंट जोड़ सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो। जैसे कोई लिंक है किसी वीडियो का वो हमने इसमें डाला है और यहाँ पर वीडियो हम प्ले कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स फ्रॉम द डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे कोई फाइल है उसको आप ड्रैग करेंगे तो वो आपके बोर्ड पर शामिल हो जाएगी। कोई टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा। देखिए कितने सारे टेम्पलेट के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर बस आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेंजेस लाने हैं। फिर आप किसी भी स्प्रेडशीट से भी कंटेंट ले सकते हैं और उसको अपने बोर्ड पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट स्प्रेडशीट से डाला गया है।
मैम, हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कॉन्सेप्ट बोर्ड के बारे में हमारे दर्शकों को, मुझे और हम सभी को समझाया और सिखाया भी। बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके, लेकिन क्योंकि और समय नहीं है, हमें ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म करना होगा। धन्यवाद आपका। शुक्रिया सभी दर्शकों का। कॉन्सेप्ट बोर्ड को सीखने और समझने में मैं समझती हूँ कि आपकी रुचि अब बढ़ी होगी और आप भी अब जाकर इस वेबसाइट पर देखेंगे इसको। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कार्यक्रम देखा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पीएम ई विद्या के चैनल्स। हम थोड़ी देर में एक और खास कार्यक्रम लेकर आएंगे, सहयोग, जिस पर हम बातचीत करेंगे रीशेड्यूल एंड रिक्रिएट, कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम छोटे से एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।